नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू हाईवे मैथ्स क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पार्ट 7 मेंसुरेशन से देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 6 मैंने किए हुए हैं, और आप लोगों ने अगर मेरे साथ हैं तो आप लोगों ने भी पार्ट 6 कर लिए होंगे। और अन्यथा जो नए व्यूवर्स हैं मेरे, जो अभी नए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैंने पार्ट 6 को देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। मैंने पार्ट 6 में कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं और पार्ट 7 में ये आपका प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले मैंने 5 पार्ट दिए हैं, और सबसे पहले मैंने 1 एंड 2 पार्ट में आपको ट्रायंगल समझाया, और 3rd पार्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट सिलेक्टेड थे। और फिर मैंने 4th एंड 5th में क्वाड्रिलेटरल से थ्योरी आप लोगों को बताई, कैसे क्या करना है। चतुर्भुज से मैंने जितने भी चतुर्भुज बन सकते थे सारे को पॉसिबल थे सब कुछ कर लिया, उससे रिलेटेड थ्योरी। और उससे रिलेटेड एक हमने प्रैक्टिस सेट भी किया है 6th में, और 7th में हम ये देखेंगे। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं, और ये बहुत मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इन्हें हमारे साथ सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और 6th पार्ट आप लोगों को अगर देखना है तो जहाँ से आप देख रहे होंगे वहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अन्यथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें प्लेलिस्ट बनी है, और आप जिस भी चैप्टर से देखना चाहें सारे चैप्टर वाइज मैंने वहाँ पर सेट कर रखा है, तो आप चैप्टर वाइज इसको देख पाएंगे, ठीक है। अन्यथा हमारे आप फेसबुक ग्रुप हाईवे मैथ्स क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसमें भी नोटिफिकेशन और जितना भी जो भी अपलोड होता है मैं सब सब कुछ इस पर डाल देता हूँ, ओके ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग देखिए, कहा गया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई, एक आयत की लंबाई और सॉरी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। अब देखिए, ये प्रतिशत वृद्धि है, ये परसेंटेज से भी है, और मैंने परसेंटेज से भी आप लोगों को बताया था वहाँ पे, जब मैंने परसेंटेज का लेक्चर मैं डिस्कस किया था, ठीक है। तो वहाँ से भी क्लियर हो सकता है, नहीं तो अन्यथा यहाँ से अगर देखना चाहें इसका कॉन्सेप्ट जो है, तो यहाँ देख लें। आयत की बात हुई है तो आप लोगों को पता ही है कि जो है आयत किस हिसाब से बनता है, ठीक है। तो ये देखिए, आयत जो है ये L हो जाएगा, ये अपना B हो जाएगा, ठीक है। और तो इसमें जो है आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई। अच्छा, अभी इसका जो है एरिया कितना है, अभी इसका एरिया जो है आपके पास L इंटू बी है, यानी कि अभी इसका क्षेत्रफल कितना भैया, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन अब जो हुआ है उसके जो कहा है उन्होंने कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में दो गुना कर दी गई, कितनी, दो गुनी, यानी कि ये 2L हो गए और ये 2B हो गई। तो भैया इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, देखिए इसकी ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 की मल्टीप्लाई 4L इंटू बी। तो अब ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 4LB, पहले कितना था LB, तो भैया कितने की वृद्धि हुई, तो 4LB माइनस LB कितने की वृद्धि हुई, 3LB की, कितने की, 3LB की वृद्धि हुई। लेकिन उसने पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, भाई प्रतिशत वृद्धि आप कैसे निकालते थे, जितना भी बढ़ जाएगा, यानी कि 3LB बढ़ा हुआ है, और जो है आपका पहले का कितना LB था, और गुणे में 100, क्यों, क्योंकि परसेंट में बताना है आंसर, और यहाँ से LB कैंसिल, 3 इंटू 100 कितना, 300% कितने की वृद्धि हो गई, 300% की वृद्धि हो गई है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके ये सॉरी रुको, यस नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ा दिया गया, यानी कि 44% बढ़ गया है, किसी वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 44% बढ़ा है, तो उसके प्रत्येक भुजा में हुई प्रतिशत वृद्धि, यानी कि भाई वर्ग जो है, ये जो वर्ग है
ये जो वर्ग है ये बढ़ा हुआ है, पहले वर्ग कुछ होगा पता नहीं कितना होगा, मतलब इस टाइप से कुछ होगा, और उसमें जो क्या हुआ है प्रतिशत वृद्धि हुई है, इतनी हुई है कि अब उसका जो है क्षेत्रफल 44 आ गया है कि ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि भुजा में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो अगर हम कह देते यही क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही मैंने कहा ना 80 क्वेश्चनों में से है। अब ये देखो अगर क्वेश्चन ऐसे होता कि वर्ग की स्क्वायर की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि, कितने की वृद्धि, यानी कि प्रत्येक भुजा में कितने की वृद्धि हुई है 20% की। तो आप जो है मैंने परसेंटेज में बताया था भैया इफेक्टिव परसेंट वाला एक्स प्लस वाई और ये प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, इससे आप लगा सकते थे भैया 20 की प्रत्येक में वृद्धि हुई है। तो 20 और प्लस 20 और ये 20 गुणे में 20 बटे में कितना 100, ये 0 0 0 0, 20 20 कितना 40 और ये 2 दूनी 4, तो कितना 44% ही वृद्धि हो गई है, ठीक है। और यही बढ़ के आई हुई है, अगर आपको पता है इस तरीके से तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया क्या करोगे, है नहीं। तो आपको यहाँ से जो है यहाँ से आप गेस कर सकते हो ऐसे भी कि इतना में हुआ है, अन्यथा जो है आप इसी प्रकार से मान लीजिए कि भाई जो ये 44% बढ़ के आया है तो वृद्धि जितनी हुई होगी आप मान लेते हो, ठीक है, मान लेते हैं ए की वृद्धि हुई है, कितने की ए की, तो भैया वृद्धि हुई है तो फिर ए की ए भी वृद्धि कर दीजिए, और प्लस ए इंटू में ए अपान में क्या 100 इक्वल टू कितना कितने की वृद्धि हुई है 44% की वृद्धि हुई है। तो ए ए कितना 2a और प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना 100 इक्वल टू कितना 44, ठीक है, हो गया 44%। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 200a प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 4400, ठीक है। अब ये कुछ इस टाइप से बनेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ से जो है मैं इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से देखिए, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 200 ए, ये माइनस का इधर 4400 इक्वल टू 0। अब देखिए 44 को फैक्टर करने हैं तो भैया कितना होता है 22 दूना 44 होता है, 22 में से 2 जाएगा 20 बचेगा नहीं, तो यहाँ से आपकी 22 दूना 44 होता है, ये देखो 22 दूनी 44, 22 में से 2, अब ये वाला निगेटिव में पहुँच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 20, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना 20, आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। इसके जो फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर प्लस 220 माइनस 20 a, यहाँ पे a है, और -400 इक्वल टू 0, यहाँ से a कामन 220, यहाँ से 20 कामन, तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर कितना 20, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अन्यथा ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले मेथड से ध्यान में रखें भैया ये जो है 44% कैसे आया होगा, ठीक है, आई गेस, ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको भैया समांतर चतुर्भुज आपको पता है नहीं, समांतर चतुर्भुज कैसे, थोड़ा जो है आप रेक्टेंगल को थोड़ा आयत को तिरछा कर दीजिए, कैसा, थोड़ा तिरछा कर दीजिए, अगर आपने सीधा कर दिया है तो आयत बन जाएगा जिसकी प्रत्येक भुजा जो है आमने सामने की बराबर होती है, इसमें भी बराबर होती है लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। तो दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है, तो भाई ये वाले की जाहिर सी बात है ये वाले 18 होंगे, बड़ी है, और ये 15 15 हो जाएगी, ठीक। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, अब देखो देखो छोटी भुजाएं कौन सी हैं, ये वाली देखो बड़ी है, ठीक है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें बच्चे, ठीक है, बहुत से मोस्टली बच्चों में मैंने कोचिंग में देखा है, तो बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बार ये वाली दूरी लगा देते, नहीं भैया उसने कहा है दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12। अब देखो छोटी भुजा ये है, अब इनके बीच की ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी, ये वाली, देखो ये वाली पूछी गई है, ये वाली दूरी कितनी है, हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशनों को आपको इक्वल करना है तब आप मान निकाल पाएंगे, आपको याद हो तो भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता था, आधार इंटू में
ऊंचाई, क्या आधार इंटू में ऊंचाई। तो भैया आधार क्या है 18 और ऊंचाई क्या है ये वाली x है, ठीक है। और दूसरी तरफ भैया अगर यहां से निकालना चाहें तब भी निकल जाएगा भैया, आधार कितना यहां से, अब इधर से देखो आधार कितना 15, ऊंचाई कितनी 12, ठीक है। तो अब यहां से इसको डिवाइड कर सकते हो, 6 दूनी 18, 6 दूनी 12 और 3 5 15, एक्स इक्वल टू कितना 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, ठीक। बहुत ही सिंपली हमें स्क्वायर दोनों से, हम दोनों तरीके से स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। आएगा एक ही, ऐसा कुछ अलग अलग आने वाला नहीं है, जिसका आधार हो जहां पर भी ये लंब हो आप उसको लगा दीजिए, आपका सिंपली आ जाएगा, ठीक है। ओके आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लिखिए एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या कहा गया। एक आयत, अब आयत जो है इस टाइप से, ये देखिए आयत और समांतर चतुर्भुज सेम जो है, मतलब थोड़ा यहाँ पे एंगल का अंतर है, ठीक है। एंगल आयत के 90 डिग्री के और उसके जो है 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, अब देखिए विकर्ण ये होता है आयत का, क्या होता है ये, अब देखो विकर्ण की लंबाई, और ये देखो यल होता है तो ये बी होता है, ठीक है। ये लंबाई यल मान लेते हैं, चौड़ाई बी, तो इसका विकर्ण क्या हो जाता था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का बनते ही ये वाला कौन सा ट्राइंगल बन गया, कौन सा बताओ भाई, राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बना है, समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर ये देखो कर्ण बराबर, तो फिर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमें दिया गया है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू भैया ये देखो रूट 41। तो भैया स्क्वायर कर देते दोनों तरफ, तो बचेगा क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना 41, और आपको दिया गया है तथा क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर। भैया इसका क्षेत्रफल कैसे, एल इंटू बी, एल इंटू बी बराबर कितना 20, ये आपको दिया गया है, एल बी बराबर कितना 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आयत की परिमित क्या, परिमिति मतलब परिमाप, अब देखिए ये परिमाप इधर उधर, भैया आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, आयत का परिमाप होता है 2l+b, क्या होता है भैया 2l+b। भैया हमें एल प्लस बी का मान निकालना है, तो एल प्लस बी का मान आप कैसे निकाल पाओगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2l b। ये कोई फार्मूला नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है रे, कोई अलग से इसका फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर हमें निकालना है, एल प्लस बी का आपको पता है तो यहाँ पे रख देते हैं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 41, और एल बी का कितना है 20, और यहाँ पे आपको 2 करना है तो 20 दूनी 40 भैया 41, 40 कितना 81, 81, यानी कि एल प्लस बी बराबर अंडर रूट 81। तो एल प्लस बी बराबर कितना भैया, एल प्लस बी बराबर 9, भाई ये उसका हो जाएगा, देखो यहाँ पे एल प्लस बी का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे आया अंडर रूट, तो एल प्लस बी बराबर 9, तो यहाँ पे देखो एल प्लस बी बराबर क्या 9 है, तो 2 × 9 कितना 18 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। बहुत ही इजी है, अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ रखा है, चीज़ों को रटा नहीं है, रटाफिकेशन वाली चीज़ें आपके पास नहीं है, तो आप कैसा भी सवाल हो धीरे धीरे करके आप लगा ही जाएंगे, फंसने वाले नहीं है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही कम टाइम में बहुत से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, इसीलिए जो है मैं सोचा कि ये प्रैक्टिस सेट आपको सेकेंड करवाना ही चाहिए, ठीक है। जिससे कि आप लोग थोड़ी भाई मेहनत आप घर पे भी कर रहे हैं और हमारे साथ बने रहे हैं, तो आपकी मैथ जो है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके लेवल पे जाने वाली है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं अपने वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 1 day 1 आपको लेक्चर हो जाता है, ठीक है। मैं एक दिन में जो है कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर अपलोड करूँ, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, अब मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मेरे साथ रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए कहा गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये देखिए, ये देखो समबाहु त्रिभुज है ना, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी ए, तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट 3/4 × ए स्क्वायर, और ये आपको दिया गया, देखो क्षेत्रफल जो है कितना 6√3, ठीक है, ये आपको दिया गया। अब यहां से देखो √3, √3 कैंसिल कर दीजिए,
सॉरी 4√3 दिया गया, कितना 4√3 दिया गया है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 × 4, 4 × 16, तो ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना 4। अब देखिए यहाँ से आपकी भुजा गई। उस वर्ग, अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, कितने सेंटीमीटर में होगी, यानी कि कोई वर्ग है उसके जो वर्ग आपको पता ही कैसे बनता है, सब इक्वल होती भुजाएं, सेंटीमीटर क्या होगी, जिसकी भुजा युक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। अब देखिए ये वाली जो इसकी ऊंचाई है, यहाँ से उन्होंने एक वर्ग बना दिया, क्या बना दिया है, वर्ग बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो यहाँ से उन्होंने एक स्क्वायर बना दिया है ऐसे करके। वो पूछ रहे हैं ये देखो विकर्ण, इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी, भाई ये भुजा जो है वही ये भुजा होगी, वही ये भुजा होगी, वही हो ये होगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो हमें ये वाली ऊंचाई निकालना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, √2 में a। तो भैया √3 2 में a कितना है 4, तो यहाँ से कट जाएगा, यानी कि 2√3। भैया समबाहु त्रिभुज ये देखो स्क्वायर की जो है ये वाली कितनी आ गई 2√3, तो भैया ये भी 2√3, ये भी 2√3, और सारी 2√3, तो भैया ये हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण आपको पता है भैया क्या होता है, √2 किसका, स्क्वायर का विकर्ण क्या होता है, कैसे, क्या क्या है, कहाँ से आया, तो इसके लिए आप हमारे फोर्थ लेक्चर को देखिए, आपसे बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया √2 होती है, ठीक है। अब देखो ये हमें जो है ये इसकी ए आ गई है, किसकी, स्क्वायर, इसकी भुजा देखो क्या है 2√3, तो भैया एक जगह पर रख दो 2√3 और इंटू में √2 पहले से ही है, तो √3 √2 की गुणा कितनी 2√6, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या होगा स्क्वायर का 2√6, ठीक है, बहुत ही एकदम सिंपल है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप यहाँ से 90 डिग्री का है, आप यहाँ से निकाल सकते हो ये कर्ण कैसे निकलेगा, 90 डिग्री का होता है स्क्वायर का, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, ये आपको पता है कैसे निकलता है, आप बहुत सिंपली से निकाल सकते, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे फोर्थ लेक्चर पर विजिट करें, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, क्या, वर्ग की भुजा, यदि उसके विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज अंकित किया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए उन्होंने कहा है कि जो एक वर्ग है, ये देखिए एक जो वर्ग है उसकी भुजा जो है कितनी 4 सेंटीमीटर है, और उसके विकर्ण पर, ये वाले विकर्ण, इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज अंकित किया गया, भैया इसके विकर्ण पर जो है एक समबाहु त्रिभुज बना होगा ऐसे, ये देखिए समबाहु त्रिभुज कुछ इस टाइप, मतलब ये सॉरी ज्यादा हो गया, ये ऐसे बनेगा, ठीक, समबाहु त्रिभुज, ये गलत, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज अंकित किया गया है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, या समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं बराबर, तो ये कर्ण जो है आपको निकालना है, भुजा 4 है, कर्ण क्या होता है √2, तो भैया कर्ण क्या है ए, ए का मान कितना है 4, तो 4√2, तो इसका ये वाली ये कर्ण कितना 4√2 हो गई, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 × ए स्क्वायर, याद है कि नहीं, ठीक है, तो √3/4 × में ए का मान कितना है 4√2, यानी कि 4√2 और 4√2 दो बार में लिखना है, क्योंकि स्क्वायर देखिए ये 4 से वो ये 4 कैंसिल, तो 2√2 की गुणा 2, और ये 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8√3, कितना 8√3, बहुत ही सिंपल से तरीके से आ जाना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैंने कहा ना, तो आप कहीं पे फंसने वाले नहीं हैं, ठीक है, आपको कोई भी समस्या में उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप का 1/4 है। अब देखिए उसने कहा है कि एक वर्ग का परिमाप जो है आयत के परिमाप का 1/4 है, यदि वर्ग का परिमाप 44 है, देखिए उन्होंने कह दिया है कि स्क्वायर का परिमाप जो है 44 है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो स्क्वायर का परिमाप है वो आयत के, ये देखिए ये आयत के परिमाप का 1/4 है, और स्क्वायर का इन्होंने परिमाप दिया है कितना 40, और वर्ग का परिमाप 44 है, तथा आयत की लंबाई, अब देखिए आयत की लंबाई 41 है, तो आयत की चौड़ाई व वर्ग की भुजा में अंतर क्या होगा, तो यहाँ पे आप परिमाप लिखना पड़ेगा किसका, आयत का, उन्होंने लंबाई दी है किसकी 51, तो इसकी चौड़ाई मान लेते हैं b, तो भैया आयत का परिमाप क्या होता है 2l+b होता है, अब l आपको पता है, तो 2
टू, एल पता है कितना 51, बी नहीं पता है, और इन टू में 1/4 जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो बस यहाँ से देखिए 2 बन जाए 2, ये 2 और ये कितना 8, 88, और यहाँ 51 प्लस बी, 51 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना बचेगा आपका, 8 में से 1 गया कितना 7, 8 में से 5 गया कितना 3, तो बी इक्वल टू आपका 37। और आयत की चौड़ाई तो आ गई, और वर्ग की भुजा में अंतर क्या होगा, वर्ग की भुजा कैसे निकाल पाएंगे, आपको वर्ग का परिमाप दिया गया, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, और 4a इक्वल टू दिया गया आपको 44, तो भैया 4 एकम 4, 4 एकम 4 ए इक्वल टू कितना 11, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर यानी कि बी माइनस ए पूछा गया है, तो 37 माइनस 11 में अंतर कितने का 26, ठीक। अब देखो इन्होंने कहाँ कहाँ जो है आप लोगों को घुमाया है, तो ऐसी कोई फंसने वाली चीज वाली बात नहीं है, ठीक है, आप बहुत ही सिंपली से निकाल सकते हैं, ठीक, ओके। इसी पे बेस्ट देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, देखिए यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान है, ठीक है, उन्होंने कह दिया है कि एक वर्ग जो है, ये एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है, परिमाप समान है, तो उनके क्षेत्रफल, अब देखिए इनका क्षेत्रफल क्या है, जी है, और तथा ए के बीच, अब ए क्या है, ये इसका क्षेत्रफल है, के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, इसलिए हमने कुछ विकल्प दिए हैं, क्योंकि विकल्प देखकर आप बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बताना है, तो भैया एक चीज करते हैं कि इसका क्षेत्रफल अगर हम कैसे ऐसे गेस तो कर नहीं सकते हैं, तो इनका कुछ ऐसी डिजिट लो कि इसका परिमाप आप बराबर करके देखो, ठीक है, वैसे आपको याद होना चाहिए वर्ग का परिमाप जो भी है, देखते हैं, चलो फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों के परिमाप इक्वल हैं, तो इसका परिमाप जो है मान लेते हैं कितना 20, आप कुछ भी मान लो यहाँ पे 20 मानने की जरूरत नहीं, कुछ भी मान लो आप आ जाएगा एक ही तरीके से, ठीक है, 20 मान लेते हैं हम, ठीक है, एक डिजिट तो माननी पड़ेगी आप लोगों को दिखाना है, तो भाई परिमाप हो गया 20, तो भाई इसकी भुजा बता सकते हो कि नहीं बता सकते, भाई परिमाप 4a इक्वल टू कितना 20 मान लिया हमने, तो भाई a इक्वल टू कितना 5, तो ये कितना 5 हो गया, ठीक, तो इसका परिमाप ये 5 हो गया, ये निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इसका भी परिमाप आपको 20 ही करना है, ऐसी आपको लंबाई चौड़ाई लेनी जिससे 20 हो जाए, ठीक है, यानी कि 2 और एल प्लस बी, आपको 2 एल का मान, एल प्लस बी का ऐसा मान रखना है जो 10 हो जाए, 10 दूनी 20 होता है कि नहीं, अब चाहे आप जो भी मान लीजिए, चाहे लंबाई को जैसे हम 8 मान लें और चौड़ाई को 2 मान लें, तो भाई 8 और 2 कितना 10, 10 दूनी 20, ये देखिए 8 इसको मान लीजिए, इसको 2 मान ली, ठीक है। अब पूछा गया कि इनके क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का क्षेत्रफल देखो कैसे निकलेगा, भाई 5 भुजा हो गई, 5 का वर्ग कितना 25, ठीक है। अब इनका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, भाई देखो 8 और गुणे में 2, एल इंटू बी होता है, तो 8 दूनी 16, बताओ कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है कि नहीं, ये हमेशा ही बड़ा होगा स्क्वायर वाला, ठीक है, स्क्वायर वाला हमेशा ही बड़ा होगा, कब, जब इनके परिमाप बराबर होंगे, तो जी जी ग्रेट है यानी कि जी बड़ा है किससे, ए से, यानी कि क्षेत्रफल जी किसका है, क्षेत्रफल स्क्वायर का है, और ए किसका है, आयत का है, तो जी बड़ा होगा, कहीं ऐसा ऑप्शन है आपके पास, ये तो गया, ये तो ये कह रहे हैं ए बड़ा है, तो ये भी गया, और ये तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि बराबर तो ऐसी कुछ कंडीशन नहीं, यही आपके पास बचा है, तो यहाँ होता भी है जी ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन ए, ठीक है, ओके। कुछ हिसाब से बने आते हैं, इनको कोई आपको देखो डिजिट नहीं दिया होगा, इन्हें कुछ आप अपने मन से ही, आप स्टैंडर्ड जो है तरीके से ही, आप अपने मेथड से ही लगा सकते हैं, ऐसी कुछ यहाँ पे रट्टा फिकेशन वाली चीज़ें नहीं है, आप रट लो और चले जाओ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, तरीका सीखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक आयत की लंबाई में, ये देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था जो है, आधे पेज का क्वेश्चन मान लीजिए, इसको मैंने बहुत इसमें टर्म छोटे छोटे किए, देखो एल से जो लंबाई, एम से मीटर है, और ये माइनस से कमी, देखिए एक आयत की लंबाई में 5 मीटर की कमी, माइनस से हमने कमी लिखा है, नहीं तो फिर एक और लाइन जो है, तथा चौड़ाई में ये बी से जो चौड़ाई है ब्रेथ, ठीक है, चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि, प्लस से वृद्धि करने पर, ठीक है, तो भाई कर देते हैं, एल में 5 मीटर की कमी और बी में 3 मीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, ये ए फॉर एरिया, इसके क्षेत्रफल में 9 मीटर की कमी होता है, भैया इसका हमने क्षेत्रफल निकाला, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी और माइनस का, इतने की
कमी हो गई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहा गया कि यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 3 मीटर तथा 2 मीटर की वृद्धि करें तो इसके क्षेत्रफल में 67 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर वो कह रहा है एल में 3 की वृद्धि कर दो और बी में 2 की वृद्धि कर दो तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, कितने 67 की हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेशनों को, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी, ये 2 हो जाएगी, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से एल बी एल बी एल बी गुणा करो, ठीक है, यहाँ से आप एक एल ले लो, यहाँ से करो तो क्या हो जाएगा एल बी, और एल की इसके साथ करो कितना 3L। अब -5 की इसके साथ करो माइनस का 5B, और -5 की +3 के साथ तो -15 इक्वल टू एल इंटू बी माइनस का 9। तो भैया ये एल बी कट गया, तो एक बचा क्या 3L -5B, माइनस का उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये घट जाएंगे कितना बचेगा 6, ठीक है। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इनकी गुणा कर दीजिए एल बी, और यहाँ पे 2L और 3 की +3B और +3 दूनी 6 और एल बी और +67 आपका दिया। देखो एल बी यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 2L +3B और 6 उधर जाएंगे, घट जाएंगे कितना 67। अब ये आपके पास दो इक्वेशन है, आपको इनके मान जिसका भी पूछा गया हो, तो देखिए इस आयत की लंबाई क्या होगी, यानी कि एल पूछा गया है तो आपको बी जो है हटाना है, तो देखिए बी हटाने के लिए आपको काटना पड़ेगा, तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन वैसे देखिए तो यहाँ पे आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें कितने 5 से, तो ये 15 भी हो जाएगा, आप इस यहाँ से 3 से कर दें तो ये 15 भी हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम 3 से कटते हैं पूरे इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में ही करना पड़ेगा, ये नहीं कि केवल इस वाले स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9L -15B इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ से कितने कर 5 से करना, क्यों, क्योंकि 5 तिया 15 होता है, 5 दूनी 10L -5 तिया 15, ये प्लस का है 15B, और यहाँ पे 5 से करना ही है तो 5 एकम 5, और 5 और 6 की गुणा कितनी 30। अब ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, ठीक है, और सिंपली कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 9L और 10L कितना 19L इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू भैया 8 और 5 कितना 13, और 1 0 1 और हासिल कितना 2 और ये 3, 323। तो 19 से आप काट लीजिए, 19 एकम 19, और कितने बच गए, और 19 एकम 19 जो है, अब यहाँ से आप यहाँ पे कितना 1 13 बच गया, यहाँ पे 3, तो 19 7 कितना 133, तो एल इक्वल टू कितना 17 सेंटी, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आप इसको जो है मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्टली बताया है, इसको कोई ऐसी बात बात नहीं है, आप इसको आराम से लगा सकते हो, देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत सरल, ठीक है। कैसे, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट जो मतलब एक फ्लो जैसा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो है आपको आसानी लग तो थोड़ा बड़ा हो सकते हैं लेकिन होते बहुत सरल हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए देखिए 8.5 यानी कि 8 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है मीटर में, की दर से फर्श बनवाने की किसी कमरे की लागत 510 रुपये आती है, ठीक है। यदि कमरे की लंबाई कितनी, कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। तो भाई चौड़ाई मान लेते बी होगा, तो भाई तो क्षेत्रफल क्या होगा 8 × b, ये क्षेत्रफल है, और इसको इतने प्रति मीटर बनवाने में कितना 8 रुपये 50 पैसे खर्च आता है, तो टोटल आपके रुपए कितने खर्च हो गए 510। लोग क्वेश्चन लग गया, ठीक है, क्वेश्चन आपका आसानी से बस इतने में लग जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो भैया देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 100 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 0 0, ठीक है, और 17 85 हो जाएगा, और 17 तिया 51 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आप 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 चक्कू 8, ठीक है। तो 4B इक्वल टू कितना 30, तो B इक्वल टू कितना 2, ये 15 और ये कितना 7.5 मीटर, ठीक है, कितना 7.5 मीटर, कितनी चौड़ाई होगी उसकी 7.5 मीटर होगी, ठीक है। ओके आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम लोग जो है इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं,
और जिसमें स्क्वायर में आप सर्कल बना देते हैं, वृत्त में आयत में वृत्त बना, आयत में सर्कल बना देते हैं, ठीक है, वृत्त वाले, ठीक है। और एक सम षटभुज जो हम देखेंगे उसमें क्या करना है, और जो है आप आयताकार, जो है आयताकार आपका बगीचा है उसके चारों तरफ हम टहलते हैं, ये रोड बनाना है हमें, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं हम लोग आसानी से डिस्कस करेंगे, कोई ऐसी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, उसमें मैं पूरा वृत्त समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आपको एक जो है थ्योरी बताऊंगा, फिर उसके बाद में क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ये मेरा तरीका रहता है, पहले आप लोगों को समझा दो, फिर क्वेश्चन आसानी से लग जाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर माई टीचिंग वीडियो।